आज के रोज़नामा बचक में हामिद मीर का मादर फरोश कालम शाया हुआ, उसमें से इकतबास आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 9 जुलाई मोहतरमा फातिमा जिन्ना का योम वफात है। यही दिन मेरे वालिद प्रोफेसर वारिस मीर का भी योम वफात है। मेरे वालिद अक्सर कहा करते थे कि हमने मादर मिलत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हबीब जालिब साहब की ज़ुबान से भी मैंने कई दफ़ा सुना कि अगर मौलाना भाषानी मादर मिलत को धोखा ना देते तो शायद पाकिस्तान न टूटता और आज हालात मुख्तलिफ होते। 1997 में मुझे एक साबिक आईजी हाफिज सबाउद्दीन जामी की किताब पुलिस क्राइम एंड पॉलिटिक्स पढ़ने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ सदारती इलेक्शन में कराची पुलिस की खुल्लम खुल्ला मुदाखलत का आंखों देखा हाल लिखा था। वो 1964 में SP स्पेशल ब्रांच कराची थे और रोहिदात खान कमिश्नर कराची थे। जामी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि किस तरह एक हकूमती वजीर अब्दुल गफार पाशा खुल्लम खुल्ला जनरल अयूब के लिए वोट खरीदते फिरते थे। इस इलेक्शन में मगरबी और मशरकी पाकिस्तान से 80,000 कौंसलरों ने हिस्सा लिया था और तमाम सरकारी अदारे धौंस और धांधली से इन कौंसलरों से अयूब खान की हमायत हासिल कर रहे थे। जामी साहब की किताब के बाद मैंने मज़ीद मवाद तलाश किया। खान अब्दुल वली खान, नवाबजादा नसरुल्ला खान और गौस बख्श बसंजों ने बहुत सी मालूमात दी। सबसे ज़्यादा मालूमात सुरैया के एच खुर्शीद के पास थी, जो कई साल मादर मिलत की प्राइवेट सेक्रेटरी रहीं और कराची में उनके साथ ही रहती थीं, लेकिन वो बहुत मुख्तात गुफ्तगू करती थीं। उनकी किताब यादों की कहकशां मादर मिलत के मुतल्लिक मालूमात का एक ख़जाना है। उनके खावंद के एच खुर्शीद का ताल्लुक श्रीनगर से था और वो 1944 में कायदे आज़म के सेक्रेटरी बने। क्याम पाकिस्तान के बाद के एच खुर्शीद कुछ अहम कश्मीरी रहनुमाओं के लिए बानी पाकिस्तान का पैगाम लेकर श्रीनगर गए और वहाँ गिरफ्तार हो गए। उन्हें कायदे आज़म की वफात के बाद रहा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने बेटे की तरह चाहती थी। उन्होंने के एच खुर्शीद की आला तालीम के लिए बरतानिया भेजा। वो 12-8 ला के वापस आए तो मादर मिलत के साथ कराची में रहायश पजीर हुए। यही मादर मिलत ने उनकी शादी कराई। शादी के बाद मियां बीवी मादर मिलत के साथ रहने लगे। हुकूमत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसन्निफ हेक्टर बोलेथो से बानी पाकिस्तान पर किताब लिखवाई। मादर मिलत और इस किताब से मुतमिन ना थी। उन्होंने माई ब्रादर के नाम से खुद किताब लिख दी, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने शाया ना होने दिया। सुरैया के एच खुर्शीद की याददाश्तों से पता चलता है कि मादर मिलत सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान को सख्त नापसंद करती थीं और ऐसी तकरीबात में जाने से गुरेज करती थीं जहां इन ताकतवर लोगों के आने का खदशा होता। 1964 में जनरल अयूब खान ने सदारती इलेक्शन का ऐलान किया तो हुक्मरान मुस्लिम लीग कई धड़ों में तकसीम हो गई। कन्वेंशन मुस्लिम लीग फौजी डिक्टेटर की हमायत कर रही थी। कौंसल मुस्लिम लीग की रहनुमा मुमताज़ तोल्ताना, सरदार शौकत हयात, ख्वाजा सफदर और चौधरी ज़ोर अलाई ने मादर मिलत की हमायत का फ़ैसला किया। नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा मौलाना अब्दुल हमीद पाशानी, खान अब्दुल वली खान, अवामी मुस्लिम लीग के शेख मुजीबुररहमान, जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अली मदूदी समेत कई जमातों ने मादर मिलत की हमायत का ऐलान कर दिया। मादर मिलत सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार न थी, लिहाजा मौलाना बाशानी उनके पास कराची आए और उनसे इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त की। मौलाना बाशानी को मादर मिलत तहरीक पाकिस्तान के ज़माने से जानती थी, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन लड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शख्सियत वफाक की मजबूत अलामत बनकर सामने आई। मुल्क के मशरकी हिस्से में बाशानी और शेख मुजीब उनके पीछे खड़े थे। मगरबी हिस्से में वली खान और गौस बख्श बसंजों से लेकर खैर बख्श मरी और मौलाना मौदूदी उनके पीछे खड़े थे। के एच खुर्शीद मादर मिलत की इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज और धमकियों की जद में थे। जनरल अयूब खान ने फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बजाय खुफिया अदारों और पुलिस के जरिए धांधली और मार धाड़ शुरू कर दी। पंजाब में मादर मिलत के जलसों पर जगह जगह गुंडे छोड़े गए। बलूचिस्तान में मादर मिलत के पोलिंग एजेंटों में मीर जाफर खान जमाली और गौस बख्श बसंजों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ मौलवियों ने औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवा दे दिया तो मुफ्ती मोहम्मद शफी ने मादर मिलत के हक में फतवा जारी कर दिया। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुररहमान ने मादर मिलत के बड़े बड़े जलसे मुनक्कद करवाए, जिनसे जनरल अयूब खान लर्ज गया। ये वो मौका था जब मौलाना बाशानी ने 40 लाख रुपए के औस
मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का सौदा कर लिया। उन्होंने अयूब खान से पैसे लेकर मादर मिल्लत की इंतखाबी मुहिम को अपने ज़ेर असर इलाकों में ठंडा कर दिया और 2 जनवरी 1965 को उन्हें वोट भी न दिलवाए। नैप के क़यादत को फौरन मौलाना भाषानी की गद्दारी का पता चला। नैप के 3 रहनुमा मियाँ महमूद अली कसूरी, खान अब्दुल वली खान और अरबाब सिकंदर इस मामले की तहकीकात के लिए पहले ढाका फिर मौलाना के गांव पहुंचे। गांव पंच बीबी पहुंच गए और तवील बहस के बाद मौलाना बाशानी ने तस्लीम किया कि उन्होंने चो एन लाई की दरख्वास्त पर अयूब खान की मदद की। यह हवाला खानवादा मियाँ महमूद अली कसूरी में दर्ज है। शेख मुजीब ने ढाका और चटाकांग में मादर मिल्लत को जितवा दिया लेकिन बाकी इलाकों में बाशानी ने मादर मिल्लत को हरवा दिया। मादर मिल्लत मशरिक़ पाकिस्तान से अक्सरियत हासिल कर लेती और इलेक्शन जीत जाती तो शायद पाकिस्तान न टूटता। अयूब खान ने इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान को हरवा दिया। इस जुर्म में पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी सहूलतकार मौलाना बाशानी थे, जिन्होंने कौम की माँ को बेच दिया। जो कौम अपनी माँ को बेचते वो कभी खैर नहीं पा सकती। इसलिए माजी के इस संगीन जुर्म पर आज हमें मिलकर अल्लाह ताला से इज्तमाई माफ़ी मांगने की ज़रूरत है।